नमस्कार दोस्तों, आर के इंस्टीट्यूट थौरी 01 चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मैथ में कुछ बेसिक, जो जो बच्चे आगे तो बढ़ जाते हैं पर उन्हें ऐसा होता है कि जोड़ घटाना और गुणा ही गुणा भाग नहीं आता है। मतलब सिंपल वाले तो आते हैं लेकिन भिन्न जब आती है भिन्न की बात तो भिन्न नहीं लगा पाते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है जो कमज़ोर है मैथ में। तो हमारी वीडियो देखना स्टार्ट कर दें, हम बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे और आपको हाई लेवल तक ले जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ भिन्न, और भिन्न में जोड़ना, भिन्न में आज मैं जोड़ना सिखाने वाला हूँ। अब जैसे भिन्न में हम ले रहे हैं, पहले एकदम सरल वाला लेंगे। ऐसे अगर आपको दिखाई देता है कहीं ऐसे, इसे बटा पढ़ते हैं, तो अगर ऐसे आपको दिखाई दे रहा है कि 2/3 है या प्लस 4/3, अगर नीचे जो है इसे कहते हैं अंश और इसे कहते हैं हर, ये बात आप ध्यान रखिए। अब हम ये देखेंगे कि हर जो है अगर समान रहेगा तो ऊपर वाले को जोड़ देंगे और हर में से एक को लिख देंगे, जैसे 2+4/3, और इसको जोड़ लेंगे हो जाएगा 6 और 6/3। अब हम ये देख रहे हैं कि इस तरह लिखा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस तरह लिखा है। हम इसे भाग करेंगे, भाग कर रहे हैं अगर, तो कितनी बार में जा रहा है, 2 बार में, 3 दूनी 6, और बटा एक बचेगा, लेकिन ये बटे एक को हम नहीं लिखते हैं, सीधा ऐसे 2 लिखते हैं, और ये हो गया हमारा आंसर। तो इसी तरह से लगाएंगे। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है 3/8+4/8, इस तरह है। या बस यही ध्यान देना है कि अगर हर में समान हो तो हम क्या करते हैं, 3 को ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं, नीचे वाली में से एक को लिख देते हैं, हो जाएगा 4/8, 4 3 7, 7/8, इसी तरह हमें करना है। अगर मान लो कि हर में समान हो ही ना, तब हम क्या करेंगे, अगर हर में समान ना हो जैसे इस तरह से क्वेश्चन है, तो हम क्या करते हैं, तिर्यक गुणा। सिंपल से याद कर ले, अगर जैसे क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो ऐसे बना ले, इधर को फिर इधर को फिर इधर को, देखिए इधर को गुणा करेंगे, इधर को गुणा करेंगे 8 3 24, इधर को गुणा करेंगे 8 6 32, और इधर इधर गुणा कर देंगे, और बटा पहले देखो देखो 8 3 24 लिखे, उसके बाद प्लस है, प्लस लगाए, उसके बाद 8 4 32, 32 लिखे और नीचे बटा बटा लगाएंगे, उसके बाद 4 3 12, 32 और 24 56, उसके बाद बटा 12। अब हम ध्यान से देखें, अगर 12 को 56 से भाग दें, 14 चौको 56, तो यहाँ पर हमारा कट जा रहा है। तो इस तरह से हम लगाएंगे, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारी सारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेकर बताते हैं, तो यहाँ पर त्रिक गुणा करेंगे, पहले इधर को 8 3 24 + 4 3 12 + 4 3 12, ये हो जाएगा, हम इसे जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो ये आएगा 36/12। अब हम ध्यान से देखें तो 12 के पहाड़े में 36 आता है, कितनी बार में आता है, 12 2 24 12 3 36, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आज मैं आपको होमवर्क में कुछ दे रहा हूँ, लगाइएगा, अगर नहीं आ रहा तो आप कमेंट करें, हम फिर से बताएंगे। और एक होता है एलसीएम विधि, एलसीएम विधि से भी बताएंगे, ये तो तिर्यक गुणा
गुणा करके है, और नीचे एलसीएम निकाल के भी लगा सकते हैं। और तो फ्रेंड्स ये हैं आपके लिए कुछ होमवर्क, ये इन 6 क्वेश्चनों को आपको लगाना है और प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप सीखेंगे। हम तो चाहे जितना बता दें, लेकिन आप अगर कोशिश नहीं करेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।